बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा अंजुम हेयर अगेन। आज का हमारा जो टास्क है वो है, हम एक एक्सपेंडर को सिमुलेट करेंगे एस्पेन हाइसिस के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि एक मिक्सचर है नेचुरल गैस का विद इथेन, प्रोपेन एंड मीथेन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 बार के ऊपर फीड हो रहा है एक्सपेंडर में। 30% एफिशेंसी का एक्सपेंडर है विद अ फ्लो रेट ऑफ 100 केजी मोल पर आवर और डिस्चार्ज प्रेशर है 5 bar। पेंग रॉबिसन हमारा जो है वो फ्लूइड पैकेज है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिमुलेशन को। एक ये ब्लैंक सिमुलेशन मैंने ओपन की है, जिसमें सबसे पहले हमारा काम है कंपोनेंट्स को ऐड करना। तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन तीनों कंपोनेंट्स शुरू में ही बने हैं, डबल क्लिक से ऐड हो जाएंगे। तीनों कंपोनेंट्स ऐड करने के बाद अब हम फ्लूइड पैकेज को सिलेक्ट करेंगे। फ्लूड पैकेज हम लोगों के पास ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इंडिकेटेड है पेंग रॉबिनसन। अगर ना हो तो हम लोग मेथड असिस्टेंट का सहारा भी ले सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास कंपोनेंट ऐड हो गए हैं और फ्लूड पैकेज भी सिलेक्ट हो गया है। तो अब हम सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारा सिमुलेशन का इंटरफेस है। और अब हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि हर सिमुलेशन में हम लोग मटेरियल स्ट्रीम ऐड करते हैं, तो हम मटेरियल स्ट्रीम ही ऐड करेंगे। इस स्ट्रीम को डबल क्लिक करके इसकी स्पेसिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले इसका नाम चेंज करके हम इनपुट रख लेते हैं। टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशन हम लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है, 25 डिग्री सी 20 bar और 100 किलो मोल पर आवर। सो 25 प्रेशर इज 20 bar और मोलर फ्लो रेट इज 100 kg mol पर आवर। अब उसके बाद कंपोजिशंस, क्योंकि हम लोगों के पास कोई कंपोजिशन इंडिकेटेड नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कंपोजिशंस ऐड कर देते हैं। अमूमन अगर आप कोई भी चीज़ स्टिमुलेट करेंगे तो आपके पास कंपोजिशंस होंगी। कंपोजिशन ऐड करने के बाद ये स्ट्रीम ओके हो चुकी है। अब हम लोगों का नेक्स्ट काम है एक्सपेंडर को सेलेक्ट करना और अपनी फ्लो शीट पे। अब इस पैलेट में से हम लोग एक्सपेंडर को के सिंबल को क्लिक करेंगे और वाइट स्पेस में कहीं पे भी प्लेस कर दें तो हमारा एक्सपेंडर ऐड हो जाएगा। एक्सपेंडर को अब हम सिमुलेट करने के लिए इस पर इनलेट स्ट्रीम्स और आउटलेट और एनर्जी स्ट्रीम देंगे। इनपुट पर हम लोगों की स्ट्रीम इनपुट होगी, आउटलेट पर हम आउटलेट नेम कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। और एक्सपेंडर, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी कंप्रेस्ड स्ट्रीम को एक्सपेंड किया जाता है तो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, तो वी विल ड्रॉ सम वर्क आउट ऑफ दिस एक्सपेंडर। तो उसके लिए हम इस एनर्जी स्ट्रीम को वर्क का नाम दे सकते हैं। अब हम लोगों को, जैसा कि आपको पता है कि ड्यूटी जो है वो अननोन इंडिकेशन आ रही है, लेकिन हमें ड्यूटी नहीं पता एक्सपेंडर की, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्चार्ज प्रेशर मतलब आउटलेट स्ट्रीम का जो प्रेशर है वो इंडिकेट कर देंगे, जो कि हम लोगों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें 5 bar गिवन है। ओके, अब एक और चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे करनी है वो ये है कि जो एस्पेन में ऑलरेडी असाइन होता है ड्यूटी, जो एफिशिएंसी होती है वो 75% एफिशिएंसी के ऊपर सारे जो हैं वो कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एफिशिएंसी जो है वो 30 है। तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी चेंज करने से ड्यूटी चेंज हो गई है। अगर हम एफिशिएंसी को इनक्रीज़ करें तो हम लोगों का जो वर्क ड्रॉन है वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम एफिशिएंसी को रिड्यूस करें तो वर्क ड्रॉन जो है वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अब हम लोगों का जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें रिक्वायर्ड था वो था आउटलेट टेम्परेचर, और वर्कशीट में हम देख सकते हैं कि आउटलेट टेम्परेचर कैलकुलेट हो चुका है, जो कि -6.19 degree centigrade। तो हम लोग अगर आउटलेट पे प्रेशर चेंज करें तो हमारे पास आउटलेट का टेम्परेचर भी चेंज होगा, उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। से हम यहाँ पे 5 bar की जगह 10 bar कर देते हैं।
आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो -6 से 7 तक चला गया है। तो इस तरीके से हम एस्पेनहाइसिस को रिलेटिव स्टडीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हम अफेक्ट देख सकते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर। तो अगेन मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के को फॉलो करते हुए इसका प्रेशर करके, तो अब हमारा पंप पूरी तरीके से सिमुलेट हो चुका है। तो हम कंडीशंस हमारे पास आ चुकी हैं, प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ चुकी हैं इनपुट आउटपुट दोनों स्ट्रीम्स की। कंपोजिशंस तो वही रहेंगी क्योंकि कुछ फॉर्मेशन या कंजम्पशन नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि एस्पन ने कैलकुलेट कर दी हैं। परफॉर्मेंस रिजल्ट्स वो रिजल्ट्स होते हैं, मतलब उन वो बेसिस हैं जिनके ऊपर हम किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। जैसे कि एडियाबेटिक हेड है हमारे पास, ये हेड्स हैं, एफिशिएंसीज हैं, लॉसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें भी एस्पन हमें कैलकुलेट करके देता है। तो आप देख सकते हैं कि इट्स वेरी यूज़फुल फॉर दैट। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने एक्सपेंडर को सिमुलेट किया और अफेक्ट को स्टडी किया एफिशिएंसी का वर्क पे, और प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर का डिस्चार्ज टेम्परेचर पे क्या अफेक्ट है उसको हम लोगों ने स्टडी किया। इस तरीके से हम डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करके डिफरेंट पैरामीटर्स का अफेक्ट स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।